दोस्तों, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि पर लेटर के अंदर कितने पॉइंट होते हैं और कौन कौन से लेटर के अंदर कितना कितना पॉइंट आता है, तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। मैंने सोचा कि एक मेरे पास एक शीट कार्ड था जिससे आपको पता चलेगा इसमें कि पर लेटर में कितने कितने पॉइंट होते हैं और कितना इसमें आपको पॉइंट मिलेंगे और कितने पॉइंट से आपको कितने। वैसे तो ये अभी का नहीं है, 2019-20 का था। अभी इससे ज़्यादा पॉइंट दे रहा है बर्जर में, और टोकन जो आ रहा है वो टोकन, हर टोकन जो है हर एक ज़्यादा है। तो चलिए, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा वीडियो है, देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला मैं बाहर की बात करता हूँ, तो सबसे पहला बाहर एक्सटेरियर फ्रेमर पेंट जो लेते हैं बर्जर का, उसमें स्वादी सादा क्वालिटी से लेकर बढ़िया क्वालिटी तक के इसके अंदर मिल जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दूंगा, यहाँ से नीचे देखेंगे बर्जर वाल मस्ता जो पेंट है, यहाँ पे देखिए बर्जर वाल मस्ता जो पेंट है, इसके अंदर आपको एक पर लीटर के अंदर 2 पॉइंट दिखा रहा है, यानी कि वो दे रहे हैं। अभी ज़्यादा हो गया है, 2020 और 2021 में अभी ये पर लीटर में 4 पॉइंट मिल रहे हैं। तो वैसे ही एंटीडेस और वेदर कोड जो बर्जर का पर लीटर में 1 पॉइंट दिए जा रहे हैं। और उसी तरह से थोड़ा हम ऊपर जाएंगे, अच्छे इससे बेहतरीन और इससे महंगी वाली क्वालिटी का पेंट जो खरीदना चाहते हैं, तो इसमें आता है लॉन्ग ऑल ग्रेड। ऑल ग्रेड जो है इसमें पर लीटर में 12 पॉइंट दिए जा रहे हैं, यहाँ देख सकते हैं आप, 12 पॉइंट दिए जा रहे हैं। तो अभी इसी तरह से वेदर कोट ऑलमोस्ट बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट इसके अंदर है, और इसमें जो है सबसे बेहतर जो और सबसे महंगा और सबसे अच्छा क्वालिटी है वो है एक्सपी का लॉन्ग लाइफ। वैसे ये लॉन्ग लाइफ पहले था, अब भी है, और इसके अंदर चेंजेस किया गया है। इसमें पर लीटर में आपको इसके अंदर पॉइंट जो आता है, एक टोकन आता है, उसमें 1 लीटर के अंदर 20 पॉइंट आते हैं। अगर आपने 20 लीटर ले लिया तो उसमें भी एक ही टोकन आएगा, मगर पर लीटर के 20 पॉइंट के हिसाब से आएगा। वैसे बहुत सारे पेंटर जो है और कॉन्ट्रैक्टर है, बहुत सारे लोग हैं मुझसे पूछ रहे थे कि 1 लीटर में कितने पॉइंट मिलेंगे, तो उन लोगों को ये पता नहीं था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। जो ये पॉइंट जो होते हैं, इससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, इसके बारे में जानना चाहते हैं आप, तो मेरा एक वीडियो है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। बर्जर आपको कितना फ़ायदा दे रहा है, होम ओनर को और डीलर को, यहाँ तक कि पेंटर को कितना फ़ायदा दे रहा है, इसके साथ साथ में आपको क्वालिटी भी कितनी अच्छी हो रही है, इसके बारे में बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ मैं। यहाँ पे एंटी डस्ट के ऊपर वीडियो है, और अंदर के पेंट की बात करें तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा अंदर के लिए पेंट बर्जर का ही चॉइस करूँगा, क्योंकि अंदर के लिए जो बर्जर का उतना अच्छा पेंट मैंने कोई पेंट नहीं देखा। देखिए, एशियन का पेंट भी आप ख़रीद रहे होंगे, एक बार बर्जर का भी पेंट ख़रीद के देख कीजिए। वैसे तो मेरी कंपनी नहीं है ये, मैंने ऑलरेडी ये बहुत सारे पेंट जो है बर्जर के ख़रीदता हूँ और मैं काम करवाता हूँ, और आपने भी मेरे बहुत सारे वीडियो देखे हैं होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एंड स्क्रीन में दे दूंगा, आई बटन में दे दूंगा, वहाँ से जाके भी वो वीडियो देख सकते हैं। वैसे तो इजी क्लीन पे और इजी क्लीन फ्रेश, ये सिलिक ग्लैमर, ये ज़्यादा मैंने मैं ही ख़रीदता हूँ, क्योंकि ये मुझे काम करवाना होता है घरों पर, तो मैं बर्जर का ही अंदर के लिए ख़रीदता हूँ। यहाँ भी आप पॉइंट देख रहे होंगे कि सिलिक ग्लैमर में 25 पॉइंट मिलेंगे, और आपको इजी क्लीन फ्रेश में 15 पॉइंट और सिलिक में 25 पॉइंट। यहाँ पे रंगोली, बर्जर रंगोली में आपको 8 पॉइंट मिलेंगे और इजी क्लीन में 12 पॉइंट। ये दो तरह के इसलिए दिया गया, यहाँ पे एक्सपी है, एक्सपी में थोड़ी हाई क्वालिटी क्वालिटी का पेंट मिल जाता है आपको, इसीलिए 12 पॉइंट है। और कभी भी पेंट खरीदते समय ये बात का ध्यान दें कि एक्सपी है या सादा। यहाँ से देखिए, ये सादा और एक्सपी में कुछ फ़र्क नहीं होता, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा फ़र्क होता है, और थोड़े से ज़्यादा फ़र्क में पैसे भी कम सरस हो सकते हैं। तो देखिए, मैं कहता हूँ अगर आप एक कम प्राइस का सबसे अच्छा पेन ख़रीदना चाहते हैं तो आपके लिए इसमें सबसे बेहतर है इजी क्लीन एक्सपी। और इजी क्लीन एक्सपी नहीं, अगर आप चाहते हैं कि स्मेल खुशबूदार अच्छा वाला शाइनिंग वाला चाहिए, तो इजी क्लीन फ्रेश और ये एक्सपी ही आता है, ये बगैर एक्सपी का आता ही नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि खुशबू नहीं चाहिए, ओनली वन हमें सिलिक यानी अच्छे से चमकदार चाहिए, तो बर्जर में है सिलिक वाला।
अगर डिज़ाइन करने की बात कर रहे हैं तो आप सिलिक एमोलेशन से भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर इससे बेहतरीन और इससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी और सबसे मज़बूतदार और सबसे ज़्यादा टिकाऊ आने वाला पेंट चाहिए तो सिलिक ग्लैमर है। इसके ऊपर भी एक पेंट बना है अभी, बर्जर ब्यूटी। वैसे तो ये इस कार्ड में नहीं है क्योंकि ये 2019 का है, वो पेंट आके अभी 3-4 महीने ही हो गए होंगे। यहाँ पे देखिए, इसमें भी आपको पॉइंट दिख रहे होंगे किस में कितना कितना मिलता है। तो इतना ही नहीं है, इसके आगे भी बर्जर ने बहुत सारे क्वालिटीज़ बनाई हैं, उसके बारे में मैं दिखाऊंगा। बस यहाँ पे आपको ही अंदाज़ा लगाना है कि कितने कितने लीटर में कितने कितने पॉइंट आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, क्योंकि मैं इसमें सारा डिटेल बताते जाऊँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। वैसे आपको जानते नहीं हो तो मेरे बहुत सारे वीडियो इनके ऊपर बने हुए हैं, हर एक वीडियो अलग अलग है। आप प्लेलिस्ट भी मैं दे दूँगा एंड स्क्रीन पर, पूरे के पूरे बर्जर की दूंगा, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। अभी बात करते हैं जो होम ओनर जो घर पे ख़रीदने वालों के लिए, क्या ये क्वालिटी सही आती कि नहीं है। आप चाहते हैं कि ये क्वालिटी, ये इस पेंटर के लिए तो पॉइंट मिल रहे हैं, डीलर का तो वो काम हो जाएगा, इसमें कैसे भी करके वो कमा लेगा, क्या हम इसको घर पर लगाने से क्या हमको फ़ायदा होगा। तो ज़रूर फ़ायदा होगा, क्योंकि इन्होंने एक ऐसी बेहतरीन क्वालिटी बनाई है। इसमें आपको कौन जो भी आपको पेंट ख़रीदना है ख़रीद के लगा दें, इसमें बेहतर है। हाँ, ज़्यादा कम पैसों की ख़रीदारी करने की अगर सोच रहे हैं तो इसमें आपको सबसे कम पैसों में भी आने वाले फ्रेमर भी मिलेंगे। वैसे यहाँ पे ये फ्रेमर अच्छे तो है मगर ज़्यादा टिकाऊ नहीं रहेंगे। इसमें पेंट की, ऑयल पेंट की बात करें तो बर्जर लेग्जल में बहुत अच्छा पेंट है, ऑयल पेंट। मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना चुका हूँ। यहाँ पे देख, दो पॉइंट मिल रहे हैं। चलिए मैं एक तरफ से एक साइड से बताना शुरू करता हूँ। पी यू रफूकोट जो है ये 15 पॉइंट दिए जा रहे हैं। यहाँ पे वाटरप्रूफ वॉल पुट्टी के पे ऊपर भी पॉइंट दिए जा रहे हैं। वैसे तो ये सब जितने पॉइंट दे रहे हैं इसमें सब में 10-10 पॉइंट बढ़ गए हैं। वैसे जो स्वादी क्वालिटी का जो पेंट है इसके ऊपर शायद ही नहीं बढ़े होंगे, जो बड़े बड़े महंगेदार पेंट हैं इसमें इसे हर एक के 10 से 15 पॉइंट और ज़्यादा 2021 या 2020 में हो गए हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉइंट देने वाला पेंट है वो है गोल्ड, जो सबसे महंगा भी है और आपको इम्प्रेसर गोल्ड है ये। इसको आपको प्राइस बढ़ रही है और शायद ये बहुत महंगे में अभी मिल रहा होगा। और इसकी 160 पॉइंट थे पर लीटर में, अभी इसके 300 पॉइंट हो गए हैं इसके पर लीटर में, क्योंकि ये सबसे महंगा और सबसे बहुत मजबूतदार पेंट है। शायद ही कोई कंपनी इतना अच्छी क्वालिटी का पेंट निकाली होगी। यहाँ पे मैं वाटरप्रूफ जो अंदर आपके घरों में लगाने वाले वाटरप्रूफ होते हैं, जैसे कि आपकी टाँकी और वो जो सीमेंट वाली टाँकी में, पुरानी टाँकी में अगर आप क्लीन करवा के वाटरप्रूफ करवाना चाहते हैं तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया है और कैसे कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं ये भी मैंने जानकारी दी है। अभी बात करते हैं पॉइंट से आपको क्या मिलने वाला है, ये भी आपको मैं इसी वीडियो में बता दूंगा। तो देखिए, कंपनी से रूल्स ऑलरेडी इसके अंदर है, आप चाहे तो आपको स्क्रीन को रुकवा के यहाँ से आप पढ़ सकते हैं कि इसमें कितने कितने पॉइंट और कितने से तारीख से कितने डेट तक आप डालने से मिनिमम आपको कैसे करना है और KYC कैसे डालना है, सब कुछ इसमें दिया गया है। फिर भी आप मेरे वीडियो से देखना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैंने जो वीडियो बनाई है इसी के ऊपर मैंने कहा है कैसे कैसे आपको पॉइंट करना है और कैसे आपको इससे आपको पॉइंट से पैसे मिल जाएंगे। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कितने पॉइंट हमको मिनिमम करना होगा, यहाँ पे मैं आज उनको वो भी प्रूफ के साथ बता दूँगा। देखिए, मेरे पास जो कार्ड आया है इसमें तो बताया है, देख सकते हैं यहाँ पर, शायद डिस्प्ले पर नहीं दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पर दिखाया गया है। आपको करना है मिनिमम, आपको पॉइंट बनाना है 4000 पॉइंट, और 4000 पॉइंट बनाने से आपको एक साल के अंदर अंदर कंपनी के तरफ से आपको मिल जाएंगे 1100 रुपये, और अगर आप 8000 पॉइंट बनाते हैं तो 2200 रुपये, ऐसे लगभग 16000 पॉइंट तक है। इसके ऊपर भी पॉइंट आप अगर ज़्यादा बनाएंगे तो आपको मिल जाएगा उसके ऊपर, और परसेंटेज ज़्यादा बढ़ेगा, इनके डबल होगा और ज़्यादा पैसे मिलेंगे। यहाँ पे ये ओनली ओन पेंटर के लिए दिया गया है, सिर्फ कंपनी आप पेंटर को दे रही है। वैसे बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके
यही पूछ रहे थे कि कितना कितना पॉइंट डालने से कितने मिलते हैं। तो देखिए ये जो दिखाया गया है इसमें एग्जांपल कहता हूँ कि आपने ये एक्सपी लॉन्ग लाइफ ख़रीद लिया है, अगर ये 20 लीटर ख़रीदेंगे तो इसके हिसाब से कितने। तो 400 पॉइंट हो जाते हैं। अगर 3 बकेट लेते हैं तो 1 बकेट के हिसाब से 3 बकेट के 1200 पॉइंट होते हैं। इसी तरह से अलग अलग क्वालिटी पेंट आप लेते रहेंगे, बर्जर में, किसी में ऑल ग्रेड में 12 पॉइंट मिलेंगे, और इजी क्लीन फ्रेश में 10 पॉइंट मिलते हैं, और लॉन्ग लाइफ में आपको 20 पॉइंट मिलते हैं। इसी तरह से ओके तो ऐसे करके आप बार बार हर एक घर पे काम करवाते जाएंगे पेंटर, तो 1 साल में लगभग 4000 तो मैक्सिमम उनके पॉइंट हो जाएंगे। तो वो सारे उसमें से कुछ कंपनी पैसा अपने पास रख के कुछ पैसा यहाँ पे पेंटर को देती है, वो तभी देती है जब ये पॉइंट डालते हैं। और कैसे डालना है, कैसे वो टोकन होते हैं, इसके बारे में तो जो वीडियो बनाए वही देख के आपको समझना होगा, क्योंकि मैं इसके बारे में पहले से लेकर स्टार्ट ख़त्म होने तक मैं बताऊंगा तो शायद आपको नहीं पता चलेगा। तो देखिए ये था मैं बताने का जो कितना कितना पॉइंट मिल रहा है। फिर भी अगर आपको आप चाहते हैं कि ठीक तरह से इस चार्ट को देख लेना चाहते हैं तो डिस्प्ले को रुका के आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे पूरे की तरह दिखा रहा हूँ, वाटरप्रूफ जो वॉलपेपर पुट्टी है इसके ऊपर भी दिखा रहा हूँ। तो चलिए फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और डिस्प्ले पे जो दिखाया गया है यही है जो वीडियो, यहाँ पे एक प्लेलिस्ट है राइट साइड में और लेफ्ट साइड में आपको एक वीडियो दिख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करके वो वाले वीडियो देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।